नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे सीरीज़ के तीसरे वीडियो में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियोस में देखा कि पावर को कैसे जनरेट करा जाता है और फिर बाहर सब स्टेशन में उसे ट्रांसफार्मर के थ्रू उसका वोल्टेज बढ़ाकर कैसे उसे ट्रांसमिट करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन पिछले वीडियो में जो हमने देखा सब स्टेशन का लेआउट, उसमें हमने सिंगल बस देखी थी। जो सिंगल बस सिस्टम होता है वास्तव में यूज़ नहीं होता जनरेटिंग स्टेशन के जो स्विच यार्ड होते हैं उनमें, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। मान लीजिए अगर ये बस ख़राब हो गई, इस बस में कोई फॉल्ट आ गया, तो यहाँ से सप्लाई पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो वास्तव में जो पावर जनरेटिंग प्लांट होते हैं उनके पास जो स्विच यार्ड होता है उसमें ज़्यादातर डबल बस सिस्टम यूज़ होता है, यानी इसमें दो बस होती हैं, एक हो गई मेन बस वन और दूसरी हो गई मेन बस टू। तो इसको समझ लेते हैं, इसका कनेक्शन कैसे होता है। यह हमारा ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारे तीन लाइन कंडक्टर आगे बढ़ते हैं सर्ज अरिस्टर से होते हुए। कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर के थ्रू ये जाते हैं। उसके बाद ये चले जाते हैं हमारे तीन कंडक्टर गैंगट्री पे, इसको बोलते हैं गैंगट्री। अब ट्रांसफार्मर से कितना वोल्टेज मिल रहा है उसको मेजर करने के लिए यहाँ पे लगे होते हैं हमारे वोल्टेज ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर की तरह वोल्टेज ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसा हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। और ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल मतलब एक कंडक्टर इनका लाइन से कनेक्ट होगा, लाइन टर्मिनल से, और दूसरा कंडक्टर इनका अर्थ से होगा। बीच में वोल्ट मीटर लगा होगा जिससे हमको वोल्टेज पता लगता रहेगा। फिर ये कंडक्टर कंटिन्यू होते हैं दूसरी गैंग ट्री पर। ये रही दूसरी गैंग ट्री, यहाँ से यह कंडक्टर जैसे ट्रांसफार्मर वन का जो तीन कंडक्टर्स हैं वो दोनों बस पे कनेक्ट होते हैं, एक मेन बस वन पे और दूसरा मेन बस टू पे। तो दोनों तरफ ये जाते हैं कनेक्शन। तो यहाँ से कनेक्शन नीचे उतरेगा या आइसोलेटर पे, आइसोलेटर के बाद सर्ज अरिस्टर लगा है, सर्ज अरिस्टर के बाद यह लगा हुआ करंट ट्रांसफार्मर, इस बस में कितना करंट जा रहा है यह मेजर करने के लिए। उसके बाद सर्किट ब्रेकर और उसके बाद फिर आइसोलेटर अगेन और फिर ये पहली बस में। इसी तरीके से यही कनेक्शन दूसरी बस में भी चला जाएगा, वही सीक्वेंस होगा, आइसोलेटर, सर्ज अरिस्टर, करंट ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर और ये दूसरी बस में। तो ये कनेक्शन दोनों तरफ गया हुआ है, इस बस में भी गया हुआ है और इस बस में भी गया हुआ है। अगर ये दोनों सर्किट ब्रेकर ऑन है तो ये वाली बस भी एनर्जाइज होगी सेम वोल्टेज से, और सेम वोल्टेज से ये वाली बस भी एनर्जाइज होगी। ये बस पूरी कंटिन्यू होती है आगे तक। इसी तरीके से जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन भी दोनों बस तक जाएंगे बिल्कुल सेम यही तरीके से। यहाँ से होते हुए ये पहली बस पे जाएंगे और यहाँ से होते हुए ये दूसरी बस पे जाएंगे। तो जनरली ये सारे सर्किट ब्रेकर ऑन रहेंगे तो ये वाली बस भी एनर्जाइज रहेगी और ये वाली बस भी एनर्जाइज रहेगी। जैसे कि जनरेटिंग स्टेशन के पास हमने कंसिडर करा है कि 11 kV पे जनरेशन हो रहा है और 220 kV पर हम वोल्टेज को स्टेप अप करके आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो इन दोनों बस के ऊपर 220 kV जो है वोल्टेज होगा। अब इससे हमें लाइन को आगे भेजना है, तो मेन बस वन से भी हम कनेक्शन को आगे भेजेंगे सर्किट ब्रेकर के थ्रू, और मेन बस टू से भी हम कनेक्शन को ये आगे भेजेंगे। तो मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर बंद है तो यहाँ से सप्लाई चली जाएगी, और अगर ये सर्किट ब्रेकर बंद है तो यहाँ से सप्लाई चली जाएगी, और अगर दोनों सर्किट ब्रेकर ऑन है तो दोनों तरफ से सप्लाई आगे ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी। ये रही हमारी ट्रांसमिशन लाइन की फर्स्ट सर्किट। इसी तरीके से दूसरी सर्किट के लिए भी हमने वही कर दिया है। ये बस वन से लेके हम सप्लाई को भेज रहे हैं, इधर बीच में सर्किट ब्रेकर लगाया ऑफ करने के लिए या ऑन करने के लिए। इसी तरीके से मेन बस टू से भी हम सप्लाई को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर ये फर्स्ट सर्किट हो गई, यहाँ पे तीन लाइन कंडक्टर हो गए, और ये दूसरी सर्किट हो गई, यहाँ पे तीन लाइन कंडक्टर हो गए। अब डबल बस सिस्टम का फायदा क्या है? मान लीजिए हमारा ट्रांसमिशन लाइन पे लोड है वो तो रहता ही है, मान लीजिए हमारे ये वाले सर्किट ब्रेकर में फॉल्ट आ गया तो क्या होगा? तो हमारी जो ट्रांसफार्मर टू से जो सप्लाई आ रही है वो यहाँ से इस वाली बस पे जाना तो बंद हो जाएगी, लेकिन ये वाली बस पे वो सप्लाई आ रही होगी तो वो आगे कंटिन्यू कर जाएगी। मान लीजिए इसमें फॉल्ट आया तो यहाँ से सप्लाई बस वन पे जाना बंद हो गई, लेकिन बस टू के थ्रू वो आगे कंटिन्यू कर जाएगी, तो हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी जो सप्लाई है पूरी तरीके से बंद हो जाए। सेम केस ट्रांसफार्मर वन के लिए भी है, ट्रांसफार्मर वन से सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर वन से सप्लाई आ रही है तो ये वाला सर्किट ब्रेकर खराब होता है तो यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू कर जाएगी, ये वाला ब्रेकर खराब होता है तो यहाँ से सप्लाई कंटिन्यू कर जाएगी। अब यहाँ इन दोनों बस के बीच में लगा हुआ है बस कपलर, इन दोनों बस को कपल करके रखता है। तो बस कपलर में क्या होता है, ये सर्किट ब्रेकर होता है और उसके आजू बाजू ये हो गए आइसोलेटर, उसको आइसोलेट करने के लिए।
और बस वन से बस टू में या बस टू से बस वन में कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करने के लिए लगे होते हैं करंट ट्रांसफार्मर। और ये जो लगे हैं ये हमारे हैं पोस्ट इंसुलेटर। पोस्ट इंसुलेटर का वर्क क्या है फ्रेंड, जैसे हमारे ये आइसोलेटर और ये बस के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, हमें कंडक्टर को कंटिन्यू करके इधर तक लाना है तो वो अर्थ के कांटेक्ट में ना आ पाए, बिल्कुल सेफली यहाँ तक आ पाए, तो उसके लिए ये पोस्ट इंसुलेटर होते हैं। बस ये इसको यहाँ पर सपोर्ट करके रखते हैं, तो जब डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है तो पोस्ट इंसुलेटर का वहाँ पर यूज़ होता है। दिखते ये सर्ज अरिस्टर की तरह है लेकिन ये सर्ज अरिस्टर नहीं होते हैं, जस्ट इंसुलेशन का काम करते हैं और हमारे कंडक्टर को होल्ड करने का काम करते हैं। बस कपलर के अंदर करंट ट्रांसफर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पता लगता रहता है कि इन दोनों बस के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है। मेंटेनेंस के टाइम बस कपलर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए मुझे ये वाले जो सर्किट ब्रेकर है SF6 सर्किट ब्रेकर यूज़ होगा, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था, इसको मेंटेनेंस करना है, मान लीजिए इसकी गैस लीक हो गई, गैस को रीफिल करना है, तो शेड्यूल मेंटेनेंस हमारा जो रेगुलर मेंटेनेंस होता रहता है वो करना है। इस सर्किट ब्रेकर को हम सेफली बंद कर पाएँ उसके लिए हम बस कपलर को ऑन करेंगे और ये दोनों बस आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाएंगी। इसके बाद हम इस सर्किट ब्रेकर को बंद भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी सप्लाई जो है यहाँ से इस बस के ऊपर तो आ ही रही है और दूसरी बस के ऊपर यहाँ से कंटिन्यू करके पहुँच जा रही है, तो इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब मेरा सर्किट ब्रेकर ये मेंटेनेंस इसका हो जाएगा तो वापस से इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। ऑन करेंगे तो हमारी सप्लाई इधर भी जा रही है और इधर भी जाने लगेगी, इसके बाद हम बस कपलर को बंद कर सकते हैं। वैसे बस कपलर को जनरली बंद नहीं करा जाता है, जनरली कपल करके ही रखा जाता है। तो मेंटेनेंस के टाइम आइसोलेटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आइसोलेटर का क्या इंपॉर्टेंस है, जैसे मुझे इस सर्किट ब्रेकर का मेंटेनेंस करना है तो मैं यहाँ पर दोनों आइसोलेटर को ओपन कर दूंगा, तो जैसे ये दोनों आइसोलेटर ओपन हो गए हैं अब मैं सर्किट ब्रेकर के ऊपर इजिली वर्क कर सकता हूँ। इसी तरीके से करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर भी इजिली वर्क कर सकता हूँ, इसे रिपेयर करना है तो भी वो कर सकता हूँ और किसी भी कंपोनेंट को इसके अंदर मैं इसको इजिली वर्क कर सकता हूँ, भले ये मेरी बस चार्ज हो इसके ऊपर वोल्टेज हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइसोलेटर ओपन है और इसके ये वाले जो टर्मिनल होते हैं इनको अर्थ कर दिया जाता है। अर्थ इसलिए कर दिया जाता है ताकि इनके ऊपर जो चार्ज बचा रह गया है, क्योंकि 220 किलो वोल्ट पे हमने इसको कट करा था तो हो सकता है इसके ऊपर 50 किलो वोल्ट इसके ऊपर वोल्टेज रह जाए, चार्ज रह जाए, तो अगर हम इसको टच करेंगे तो सडनली हमको शॉक लग सकता है, इसलिए हम इनके ये वाले जो टर्मिनल्स हैं इनको मेंटेनेंस से पहले ही अर्थ कर देते हैं, तो पूरा का पूरा चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाता है और इनका वोल्टेज हो जाता है जीरो। अब हम सेफली वर्क कर सकते हैं। इस पूरी असेंबली को बोलते हैं बे, तो बे के अंदर हम सारे एलिमेंट को रखने की कोशिश करते हैं अपनी डिजाइनिंग के टाइम, ताकि हम आइसोलेटर को ओपन करें तो उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको सेफली रिप्लेस कर पाएं या उनका मेंटेनेंस कर पाएं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मान लीजिए इस ब्रेकर को मुझे मेंटेन करना है तो बस कपलर से पहले इनको कनेक्ट कर दूंगा, दोनों लाइन को चार्ज हो जाएंगी, मेरी ट्रांसफार्मर से सप्लाई इधर आ ही रही है और यहाँ पे सप्लाई जा रही है, मान लो उस टाइम ये ब्रेकर भी ओपन पड़े हैं तो मेरे बस कपलर के थ्रू दोनों बस चार्ज हैं, तो इस सर्किट ब्रेकर को मैं इजिली ओपन कर सकता हूँ। जब इसको ओपन कर दूंगा और फिर आइसोलेटर को ओपन कर लूंगा, इसका मेंटेनेंस करने के बाद इसको वापस से सर्विस में ला सकता हूँ, तो रेगुलर हमारी सर्विस चलती रहेगी। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सर्ज अरिस्टर को देखा था, सर्ज अरिस्टर क्या करता है, सडन जो वोल्टेज बढ़ जाता है उसको क्या कर देता है, अर्थ कर देता है। ये एक प्रकार का नॉन लीनियर रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस नॉर्मल वोल्टेज के लिए बहुत ज़्यादा हाई रहता है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और हमारा जो कंडक्टर है वो अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है और उससे पूरा का पूरा करंट जो है वो अर्थ के अंदर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं सर्ज अरिस्टर। ये सर्किट ब्रेकर के पास हमने बे के अंदर लगाए हैं, ज़रूरी नहीं है हर डिज़ाइन में इन्हें लगाया जाए, ये डिपेंड करता है कि कितने सर्ज प्रोड्यूस हो रहे हैं सिस्टम में, वहाँ पर इन सर्ज अरिस्टर्स को लगाया जाता है। और सर्ज अरिस्टर को खास तौर पर ट्रांसफार्मर के पास लगाया जाता है क्योंकि जो सर्ज आ रहे हैं, दो प्रकार के सर्ज होते हैं, लाइटनिंग सर्ज और स्विचिंग सर्ज। लाइटनिंग सर्ज फ्रेंड जो होते हैं वो जब खराब वेदर में जो ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर या सब स्टेशन के किसी टावर के ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है आसमान से, तो सिस्टम का वोल्टेज बहुत तेजी से बढ़ जाता है कुछ मिली सेकेंड्स के अंदर, तो वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर तक ना पहुंचे इसलिए यहाँ पर सर्ज अरिस्टर्स को लगाया जाता है, क्योंकि जो सर्ज हैं चाहे वो स्विचिंग सर्ज हो चाहे वो लाइटनिंग सर्ज हो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पहुंचेंगे, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में पता है हमें इंसुलेशन लगा होता है
तो इंसुलेशन के ऊपर इतना ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस पड़ेगा कि हो सकता है वो इंसुलेशन ख़राब हो जाए, उसको बोलते हैं इंसुलेशन पंचर। तो ट्रांसफार्मर के इंसुलेशन पंचर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सर्ज की वजह से। लाइटनिंग सर्ज तो आप समझ गए होंगे, अब मैं आपको समझाता हूँ स्विचिंग सर्ज क्या होता है। इसको मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के थ्रू समझाता हूँ स्विचिंग सर्ज क्या होता है। तो दोस्तों स्विचिंग सर्ज को समझने के लिए हम अपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम से, या मान लीजिए गैस सप्लाई सिस्टम है। तो ये पाइप के थ्रू कोई भी फ्लूइड जा रहा है और यहाँ पर एक वॉल्व है इसको ओपन और क्लोज करने के लिए। तो मुझे सप्लाई को रोकना है, तो जनरली मैं क्या करूँगा अपने वॉल्व को क्लोज कर दूंगा। और जैसे ही हम वॉल्व को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए फ्लूइड यहाँ से आ रहा है और इधर जा रहा है, तो यहाँ वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा प्रेशर अचानक से बढ़ जाएगा इस तरीके से। और फिर यह जो प्रेशर बना है इस पर्टिकुलर एरिया में, सिस्टम में इलास्टिसिटी होने की वजह से ये बाउंस बैक भी करेगा और ये इस तरीके से सिस्टम में ट्रेवल कर सकता है। तो जहाँ जहाँ ये सर्ज जा रहा है ये अपने साथ हाई प्रेशर को लेकर जाएगा, और वीक पॉइंट पे हो सकता है कि जो हमारा पाइप है वो बर्स्ट हो जाए। तो यह होते हैं स्विचिंग सर्ज। सेम इसी तरीके के सर्ज हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी बनते हैं। जैसे हम ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो वहाँ से जो वोल्टेज सर्ज है वो प्रोड्यूस होते हैं और वो काफ़ी स्पीड से ट्रेवल करते हैं सिस्टम में, तो उनके ट्रांसफार्मर तक पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वह ट्रांसफार्मर तक ना पहुँचें या जनरेटर्स तक ना पहुँचें, इसलिए इन तरीके के इक्विपमेंट्स के पहले सर्ज अरेस्टर को लगाया जाता है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तो सर्ज अरेस्टर्स को लगाया जाता है जो सडनली उसको अर्थ कर देते हैं एक्स्ट्रा पोटेंशियल को। मैकेनिकल सिस्टम में भी कि जो हमारी गैस लाइन है वाटर पाइपलाइन है यह बर्स्ट ना हो, उसके लिए सेफ्टी वॉल्व को लगाया जाता है। सेफ्टी वॉल्व के अंदर क्या होता है, इस तरीके का स्प्रिंग बॉल अरेंजमेंट होता है। तो ये बॉल जो है वो काफ़ी प्रेशर से यहाँ पर लगी होती है स्प्रिंग द्वारा, और जैसे ही उस लिमिट से ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो ये ओपन हो जाता है और एक्स्ट्रा गैस या एक्स्ट्रा लिक्विड को ये वहाँ से पास कर देता है ताकि ये प्रेशर को रिलीव कर पाए। तो इसको बोलते हैं प्रेशर रिलीव वॉल्व। तो सेम इसी प्रकार से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी मैंने बताया फ्रेंड सर्ज बनते हैं। जैसे ही हम इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करेंगे तो यहाँ पोटेंशियल अचानक से बढ़ जाएगा और ये ट्रेवल कर सकता है ट्रांसफार्मर की तरफ, इसलिए ट्रांसफार्मर के पास सर्ज अरेस्टर का लगा होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है ये स्विचिंग सर्ज सब स्टेशन के अंदर ही प्रोड्यूस हुए हों, ये इसके अगले सब स्टेशन से भी प्रोड्यूस होकर इस सब स्टेशन तक आ सकते हैं। तो ये बे के अंदर सर्ज अरेस्टर लगे हों ये ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर्स के ऊपर, वो किस तरीके से सिस्टम को डिज़ाइन करना चाहते हैं, कितनी सिस्टम की सिक्योरिटी रखना चाहते हैं। लेकिन सर्ज अरेस्टर का जो लगाना है वो कंपलसरी होता है यहाँ जहाँ ट्रांसमिशन लाइन हमारी कनेक्टेड है जस्ट सब स्टेशन से, चाहे वो सप्लाई जा रही हो चाहे वहाँ से सप्लाई आ रही हो, और ट्रांसफार्मर के पास सर्ज अरेस्टर का लगा होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। तो जो सब स्टेशन डिज़ाइनर होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि सर्ज अरेस्टर्स को कहाँ लगाना है। अगर काफ़ी बड़ा सब स्टेशन होता है तो जगह जगह करेंट ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जैसे इस बस कपलर के अंदर करेंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो इन करेंट ट्रांसफार्मर तक भी सर्ज पहुँचते हैं। और ये करेंट ट्रांसफार्मर हमारे रिलेस को भी ऑपरेट करते हैं, जैसे कोई फॉल्ट आता है अचानक से करेंट बढ़ता है तो ये सब स्टेशन की जो मेन बिल्डिंग है उसमें जो रिले लगे होते हैं वहाँ तक सिग्नल पहुँचाते हैं, और सर्किट ब्रेकर को बंद करने के लिए ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करने में हेल्प करते हैं। तो सर्ज अरेस्टर्स का प्लेसमेंट सही नहीं होगा तो फॉल्स ट्रिपिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। हो सकता है स्विचिंग सर्ज की वजह से ही हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाए और सप्लाई बंद हो जाए। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने देखा डबल बस अरेंजमेंट जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है सब स्टेशन में। ऐसा नहीं है कि यही यूज़ होता है, और भी अरेंजमेंट्स होते हैं। टोटल 6 प्रकार के जो बस अरेंजमेंट होते हैं, जिसमें हमने सिंगल बस अरेंजमेंट तो पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं और डबल बस अरेंजमेंट में भी देख लिया। तो हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो दूसरे प्रकार के बस अरेंजमेंट होते हैं वो भी आपको समझाएं। फ्रेंड्स यह वीडियो सीरीज़ आप लोग को बहुत पसंद आ रही है, हमें कमेंट आ रहे हैं रेगुलरली और काफ़ी लोग इस वीडियो सीरीज़ को लाइक कर रहे हैं। तो बस आप लोग ऐसे ही लाइक करते रहें, इसे शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें ताकि हमें और एक्साइटमेंट हो, हम इस वीडियो सीरीज़ को और बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए तब तक के लिए इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर कर हमको बताएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना करा हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।